आने वाली यह खबर राजस्थान के नागौर से है। शादियों की खुशियों के बीच आज दोपहर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक बस अहमदाबाद से राजस्थान के नागौर में आई। बस में करीब 60 बाराती थे और एक अन्य बस इसके साथ ही थी। दो बसों में आए करीब 100 से ज्यादा बारातियों का स्वागत किया जा रहा था कि इस दौरान मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले के चलते बाराती पक्ष के 27 से ज्यादा लोगों को अभी तक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 40 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि नागौर जिले के अलनियावास कस्बे में सिपाहियों की ढाणी गांव में लड़की की शादी थी। बारात अहमदाबाद से आई थी। बारात को गांव के नजदीक ही रोका गया था और स्वागत सत्कार के बाद उन्हें विवाह स्थल तक ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन जैसे ही बारात की बस ढाणी के बाहर बड़ के पेड़ के नीचे ठहरी, बस का एक हिस्सा बड़ के पेड़ से लटक रहे मधुमक्खियों के बड़े से छत्ते से जा टकराया। इसके बाद मधुमक्खियों ने बस में बैठी सवारियों पर हमला कर दिया। बस से उतरकर महिलाएं और बच्चे बाहर दौड़ने लगे। दूल्हे की भी शामत आ गई। दूल्हे के माता पिता को भी मधुमक्खियों ने नहीं बख्शा। मच गई चीख पुकार। लड़की वाले करते रहे बारात का इंतजार। अचानक हुए इस हमले के बाद चीख पुकार मच गई। बाद में वधु पक्ष के लोगों ने गांव के अन्य लोगों को मौके पर बुलाया और एम्बुलेंस के अलावा अन्य वाहनों से घायल बारातियों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हैरानी की हद तो तब हो गई जब घायलों को अस्पताल लाया गया तो उस समय वहां से 80% स्टाफ जा चुका था। अस्पताल में मौजूद 3 लोगों ने ही इतने लोगों का इलाज किया। बाद में नजदीक अस्पताल से कुछ डॉक्टरों की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर शाम तक इधर बारात की तैयारियां हो रही थी और उधर बहुत से बाराती अस्पताल में भर्ती थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।